हाउ आर यू, आई थिंक ऑल आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट न्यू अपडेटेड वीडियो। इस वीडियो में आप जानोगे कि UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स, कई टाइप्स की फेलोशिप जो है दी जाती है, जिसके बारे में कई बार स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है और रह जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने से। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कितने टाइप्स की जो है स्कॉलरशिप आपको मिलती है, उन सभी के बारे में, और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसको लेने के लिए, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, UGC हमें कई तरह की जो है स्कॉलरशिप देती हैं, उन सभी का बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो UGC की जब आप साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये हर एक टाइप की फेलोशिप मिल जाएगी। क्या उसकी लास्ट डेट होती है, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर हम उन सभी के बारे में जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रिलेटेड टू टीचिंग, नॉन टीचिंग्स और उसके साथ साथ PhD एडमिशंस रिगार्डिंग, और अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोडेड करते रहते हैं। तो आज यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी बारिश, जिसकी वजह से नेट थोड़ा सा चल रहा है स्लो। अभी आ जाएंगी आपकी फेलोशिप, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यहाँ पर आप जाओगे स्कॉलरशिप और फेलोशिप के ऑप्शन पे, जिसी की साइट पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसी पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको उसका PDF मिल जाएगा। और देखो, इसमें एमेरिटस फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जिनकी एक लड़की लड़की है, यानी कि कोई भी ब्रदर नहीं है और ना ही कोई सिस्टर है, तो उनको मिलती है ये पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम पे। पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर इन जर्नल एंड होनरेस कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। उसके बाद रिसर्च फेलोशिप इन साइंस फॉर मेरिटियस स्टूडेंट्स, डॉक्टर DS कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन साइंस, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। उसके बाद 6 टाइप की डॉक्टर S राधाकृष्ण पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटी एंड स्पेशल सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज फॉर द ईयर 2008 and 2009। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। UGC न्यू स्कीम फॉर प्रोवाइडेड स्पेशल होनोरियम टू टीचर्स हु आर फेलो ऑफ एट लीस्ट टू ऑफ द 4 साइंस अकेडमिक आइडेंटिफाई बाय UGC। GRF एंड रिसर्च एसोसिएटनशिप फॉर फॉरन नेशनल GRF इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप टू वुमेन कैंडिडेट्स। और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो ये 13 तरह की अलग अलग फेलोशिप अवेलेबल हैं साइट पर, आप चेक कर सकते हो फुल डिटेल कि किस में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें ये बात एक मेंशन है कि ये नहीं है कि आपने एक फेलोशिप ले ली तो दूसरी, जी नहीं, आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही फेलोशिप का बेनिफिट उठा सकते हो। और लगभग सभी की जो है क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है, कुछ एक को छोड़कर। तो उसके लिए आप UGC की साइट पर जाना और डिटेल में उनकी जो है, जिस दिन भी आपको ये हो कि भाई आज आपका फ्री टाइम है, तो अगर आपका थोड़ा सा टाइम लगने से अगर कुछ बेनिफिट हो जाता है तो द बेस्ट है। तो अच्छी तरह से इनको रीड करना, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फाइनेंशियली हेल्प भी हो सके। तो ये 13 टाइप्स की जो है फेलोशिप टोटल UGC पर एप्लीकेबल हैं, और इनके जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकलते रहते हैं, तो जब भी निकलेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फ़िलहाल सिर्फ आपको स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में अवेयर करना था कि कई टाइप्स की होती हैं, तो इनके बारे में आप अवेयर रहा करो, ताकि किसी भी फेलोशिप अगर गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर उठाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।